नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान नगर परिषद बागली और करनावाद में संपन्न हुआ। यहां 15-15 मतदान केंद्र बनाए गए थे। बागली में पार्षद पद के लिए 61 और करनावाद में 47 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिनके भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गए हैं। परिणाम आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी मतदाताओं ने किस पर आशीर्वाद दिया है और किस जनप्रतिनिधि को चुना है। बुधवार की सुबह 7 बजे से ही सभी मतदान केंद्र पर मतदान प्रारंभ हो गया था। बागली के मतदान केंद्रों पर 90 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग ही मतदान करने अपने परिजनों के साथ पहुंचे थे और मतदान किया। मतदान संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन भी सुबह से सक्रिय रहा। बागली एसडीएम शुभारंभ सोलंकी, थाना प्रभारी दीपक यादव, नगर परिषद सीएमओ महेश कुमार शर्मा नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुबह से ही सक्रिय रहे। लगातार मतदान केंद्रों का भ्रमण भी करते रहे। साथ ही बारिश को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर बारिश से बचाव का इंतजाम भी किया गया था। इसी दौरान जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी शिवदया सिंह ने बागली शासकीय कन्या हाई स्कूल परिसर में बनाए गए 4 मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया, वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसी दौरान कलेक्टर शुक्ला और एसपी करनावत पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। नगर परिषद बागली में 82% और नगर परिषद करनावत में 89.34% मतदान हुआ है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। नमस्कार, आज बागली नगर परिषद में आम निर्वाचन 2022 संपन्न हुआ है। उसमें सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है और कुल 82% मतदान हुआ है। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इसमें सभी मतदाताओं, सभी गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया के साथियों का मैं रिटर्निंग अधिकारी आपका आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग आपसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।